अखिलेश जी, मैं सील मर्यादा वाला व्यक्ति हूं, मैं आपको अभी भी अखिलेश जी बोल रहा हूं, लेकिन यही आपका रवैया रहेगा तो किसी दिन कोई मिल जाएगा आपको जो आपको भर भर के दे देगा। ठीक है मनोज तिवारी, मनोज तिवारी आपको भगा दिया खदेड़ तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी वहां से, आप बोलिए राहुल गांधी जी वहां से चले गए, खदेड़ा मत बोलिए, आप ये मत बोलिए भगाया गया हराया गया, ये मत बोलिए वो चले गए वहां से। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. राहुल गांधी जैसे लोगों का जब अमेठी ने मान नहीं किया तो दुनिया क्या करेगी। पहली बार मनोज तिवारी जवाब, ये एक बड़ा सिलसिलेवार आरोप है विपक्ष का कि ये आपकी एक्सटेंडेड एजेंसी बन गई है, आप सरकार पलटने में इसका इस्तेमाल करते हैं। 40 सेकंड मनोज तिवारी, 40 सेकंड देना अखिलेश, 40 सेकंड मनोज तिवारी। यही यही जो है, यही यही महाराष्ट्र में जिन लोगों, जिन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार की बात करती थी बीजेपी, जिन मंत्रियों को निकाला गया था वही मंत्री फिर इनकी में मंत्री पद पा गए हैं। बड़े मनोज जी बोलिए आप, कहते हैं कि हम बड़े साफ सुथरे हैं, महाराष्ट्र में कौन लोग मंत्री बना गए। क्या करूं, मुझे ऐसे बोला नहीं जाता क्योंकि मैं तो जब वो बोलते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो चुपचाप सुनता रहता हूं, जो भी कहते हैं सुनता रहता हूं। देखिए अमीश भाई, यही कारण है, ये कांग्रेस का यही व्यवहार, यही झूठ, यही देश का अपमान, यही कारण था कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को दौड़ा दौड़ा के भगा दिया। सबको पता है यही कारण है, यही कारण है कि राहुल गांधी जैसे लोगों को अमेठी भी वैसा भगाई है। सत्ता बल हो रहा है, ये जो अहंकार है ना, 70 सालों बाद आए हो, 70 सालों बाद आए हो, 170 साल तक नौबत नहीं आएगी। मनोज तिवारी कितने दल बदल के गए हो, कितने दल बदल के गए हो, इसके पहले किस दल में थे? अरे आप इसके पहले से बोलिए अखिलेश जी, तमीज क्या से बात थे बीजेपी के लिए, तमीज से बात के लिए क्या बोलते थे? अरे पहले इसके पहले किस दल में थे बीजेपी के लिए क्या बोलते थे, निकाल के सुनाऊं? आप चिल्ला रहे हैं मनोज तिवारी, देखिए अखिलेश जी, मनोज तिवारी वरिष्ठ नेता हैं, आप भी वरिष्ठ नेता हैं, मुझे लगता है दायरे में बात करें और अपनी अपनी बात, अपनी अपनी टर्न पे अपनी बात रखें। ओके मनोज तिवारी, राहुल गांधी को दौड़ा दौड़ा के, अरे हो क्या तुम हो क्या, ये मनोज तिवारी राहुल गांधी के जमीन के नेता हैं, राहुल गांधी बड़े होंगे आपके लिए, मनोज तिवारी भी जमीन के नेता है, सांसद है, राहुल गांधी भी सांसद है, आप कह रहे हैं मनोज तिवारी आप वो कौन राहुल गांधी के बारे में बात करने वाले, हु आर यू? ये अखिलेश जी की जो भाषा है ना, यही बता रही है कि इन लोगों को कैसे लुत्ती लगी हुई है। क्या बढ़िया था गुरु, गांधी जैसे लोग अमेठी से क्यों भगाए गए, ऐसे ही व्यवहार से भगाए गए। लेकिन अभी अखिलेश जी ने पूछा आप है कौन, इनका आप हो कौन जो राहुल गांधी किसे सवाल पूछ रहे हो आप? आप मैं इनको आप राहुल गांधी के बारे में आप बोल नहीं सकते। राहुल गांधी को अमेठी ने नहीं, राहुल गांधी को अमेठी ने नहीं भगाया, राहुल गांधी को अमेठी ने नहीं हराया, राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को नहीं अपनाया, इन लोगों की इसी करनी पे हराया। और उसके बाद भी भाषा देखिए, अरे कम से कम सब चला गया, कम से कम अपनी तमीज तो बनाए रखिए अखिलेश जी। बंद किताब हो आज भी राज में बेइज्जती करूं मैं तेरी, वो भी एक साथ। मैं आपको जी जी बोल रहा हूं, आप इस तरह से उखड़े जा रहे हैं अखिलेश जी। अरे ऐसे इस तरह से थोड़ी बात करते हैं, आईना देखे तो समझ में आ गया ना अखिलेश जी, आप मनोज तिवारी से पूछ रहे हैं उनकी हैसियत क्या है, लेकिन आपको आपके पास हो सकता है राहुल गांधी आपके बड़े नेता हो, लेकिन राहुल गांधी, एक सेकंड, एक मैं बता देता हूँ क्योंकि कंपैरिजन की बात हुई, राहुल गांधी भी सांसद है, मनोज तिवारी भी सांसद है, मनोज तिवारी गरीब परिवार से उठकर, मनोज तिवारी ने भोजपुरी फिल्मों में काम किया, गाने गाए, बॉलीवुड में काम किया और यहां तक पहुंचे हैं। मानते हैं राहुल गांधी बड़े परिवार से हैं, रसूखदार परिवार से हैं और बहुत सम्मान है राहुल गांधी का, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन ये पूछना कि मनोज तिवारी की हैसियत क्या है, वो राहुल गांधी के बारे में कैसे बोल सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता ये गलत है अखिलेश जी? हो सकता है मनोज तिवारी, आप सम्मान से बात करिए, आप सम्मान से नहीं बात करेंगे, अब तुम तड़क करके राहुल गांधी से बात करेंगे, कहें खदेड़ा भगा दिया, इस तरह के लफ्जों से बात करेंगे? हिंदी आप अपना पक्ष रखिए,
हम सुनने को बैठे हुए हैं, आप अपनी बात रख नहीं रहे हो। ठीक है मनोज तिवारी, मनोज तिवारी आपको भगा दिया खदेड़, तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी वहां से, आप बोलिए राहुल गांधी जी वहां से चले गए, खदेड़ा मत बोलिए, आप ये मत बोलिए भगाया गया हराया गया, ये मत बोलिए वो चले गए वहां से। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. अरे भाई अमेठी के गली गली में मैं गया, ने क्या किया? अच्छा ठीक है अखिलेश जी, तक बीजेपी सरकार में नहीं थी, 70 सालों तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो क्या भगा दी गई थी? हम ये बोले यही कहना सुनना चाहते हैं आपने, आपकी भाषा आपको मुबारक, जनता ने बीजेपी को भगा दिया था, भगा दिया था, ये भाषा आपकी, आप, इसका जवाब तो यही है ना। आप देखिए आप जो भाषा पूछ रहे, फिर 70 सालों के लिए भगा दिए जाओगे मनोज तिवारी, आप फिर भगा दिए जाओगे, यही अहंकार जो है, यही भाषा बोलते रहिए, यही भाषा। ठीक है अखिलेश जी, अब आप निरंतर बोल रहे हैं, अब एक सेकंड, मनोज तिवारी को 30 सेकंड तो बोलने दे अखिलेश जी, ओके एक सेकंड अखिलेश भाई, अखिलेश जी मेरा निवेदन स्वीकार करें, अब आप मनोज तिवारी, अखिलेश जी मैं शील मर्यादा वाला व्यक्ति हूँ, मैं आपको अभी भी अखिलेश जी बोल रहा हूं, लेकिन यही आपका रवैया रहेगा तो किसी दिन कोई मिल जाएगा आपको जो आपको भर भर के दे देगा। मैं वो भाषा नहीं बोल सकता। राहुल गांधी को भगाया अमेठी ने, राहुल गांधी को दौड़ा दौड़ा के भगाया अमेठी ने, बहन इसी ऋषि राहुल अपनाया, नरेंद्र मोदी जी को अपनाया, क्या बोलते थे? और सुनिए सुनिए, हाँ अरे क्या बोलते थे तो निकाल दीजिए, क्या बोलते थे? लेकिन आप जैसे लोगों को याद रहना चाहिए, वो गोरखपुर की अमेठी जिस गढ़ होती थी, गोरखपुर का भाषण, देखिए एक एक सेकंड अखिलेश जी अखिलेश जी मुझे लगता है कि हम टॉपिक पर आए, हम पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, विच इज नॉट फेयर, विच इज नॉट गुड। ओके मनोज जी क्या अप्रासंगिक बातें हैं? राहुल गांधी जैसे लोगों का जब अमेठी ने मान नहीं किया तो दुनिया क्या करेगी? पहली बात, हाँ, हाथ बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद।